कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं वेकना के बारे में। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 427 को रिलीज हो चुका और हमारे पास एक ब्रांड न्यू विलन है जो अब तक का बेस्ट विलन साबित हो सकता है। बस दो एपिसोड्स देखने बाकी हैं जो आएंगे 1 जुलाई को। इस वीडियो में हम इस विलन के बारे में बात करेंगे और उसके ओरिजिन के बारे में एक क्लोज लुक लेंगे ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाए। तो चलिए स्पॉइलर्स के साथ शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है अर्ली 50s में, जब विक्टर क्रील वर्ल्ड वॉर 2 से अपने घर रिटर्न हुए। उनके अंकल की डेथ के बाद उनके पास बड़ी रकम आई जिससे उन्होंने एक न्यू घर क्रील मैंशन खरीदा। यहाँ वो रहते थे अपनी वाइफ वर्जीनिया क्रील और अपने दो किड्स एलिस और हेनरी के साथ। उनकी फैमिली नियरली 2 मंथ्स तक घर में ठीक रही, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हुआ। वर्जीनिया को हॉलुसिनेशंस दिखाई देने लगे, जबकि विक्टर को फ्रांस में किए गए वॉर क्राइम्स दिखाए गए जो काफी हॉरिबल था। रियल दिनों की ये सारी चीजें उनका सन हेनरी कर रहा था। उसे पावर्स कहां से मिली अभी तक ये नहीं बताया गया, पर चांसेस ज्यादा हैं कि वो नेचुरल थी। हेनरी को स्पाइडर्स बहुत ही पसंद थे क्योंकि वो अपने शिकार को मारने से पहले उन्हें बहुत तड़पाते थे। ये उसे एनवायरनमेंट के अंदर रहे डिसिप्लिन की याद दिलवाता था। जैसे जैसे उसने एनिमल्स को मारना शुरू किया, वैसे वैसे उसे मजा आने लगा क्योंकि वो उनकी पावर्स को भी अब्सॉर्ब कर रहा था। ये शुरू हुआ रैबिट्स और डॉग्स से, लेकिन वो पावर के लिए हंगरी होता ही गया। उसकी मॉम को उस पर शक हो गया था, जिसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर को भी बुलाया था। हेनरी जानता था कि इससे सिचुएशन बिगड़ सकती है, इसीलिए 1959 में उसने अपनी मॉम, पर्टिकुलरली एक जिंदा इंसान को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने अपने सिस्टर के साथ भी यही किया, पर उसके फादर को वो मार नहीं पाया क्योंकि इनसेंस वहाँ पे म्यूजिक चल रहा था जिससे उनका माइंड एक्टिव था। एमेच्योर होने के कारण इतनी पावर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और वो कोमा में चला गया। अपनी डॉटर और अपनी वाइफ के कत्ल के इल्जाम में विक्टर क्रील को सजा सुनाई गई और डेविल वाली बातों के कारण उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। हेनरी के चेकअप के दौरान डॉक्टर्स ने कुछ अलग नोटिस किया और उसे डेड दिखाकर US गवर्नमेंट को सौंप दिया, जिसके बाद डॉक्टर बर्नर से उसकी मुलाकात हुई। कुमा से बाहर निकलकर हेनरी की पावर्स को समझा गया और उसे ट्रेन किया गया, पर वो अनकंट्रोलेबल था, लाइक उसे जान लेने का नशा हो। डॉक्टर बर्नर ने इसके पोटेंशियल को समझ लिया और दूसरे किड्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिस प्रोजेक्ट के अंदर 11 को रेडी किया गया। हेनरी को इसमें नंबर 1 का टैग दिया गया, पर हेनरी काबू से बाहर ना जाए इसीलिए उन्होंने एक पावर डैम्पलर उसकी बॉडी में लगा दिया और उसे हॉकिंग लैब्स के अंदर ही रखा। उसके सामने बहुत सारे किड्स पड़े हुए जिसमें 11 उसकी फेवरेट थी क्योंकि वो भी इस ग्रुप की आउटकास्ट थी। उसने 11 को भागने में हेल्प करने की ट्राई की, पर एल उसके बिना जाना नहीं चाहती थी, जिसके बाद एल ने उसके पावर डैम्पलर को रिमूव किया। उसके रिमूव होते ही हेनरी ने लोगों को मारना शुरू किया और एंड तक उसने हाफ ऑफ द लैब को खत्म कर दिया। 11 को ये जरा भी अच्छा नहीं लगा। वो चाहता था कि 11 उसके साथ जुड़ जाए, पर एल ने उससे फाइट की और अनजाने में उसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड में डाल दिया, जहां एटमॉस्फेयर के कारण वो ऐसा भद्दा बन गया। लॉन्ग टाइम तक हेनरी AKA वेकना AKA 001 अपसाइड डाउन वर्ल्ड में रहा, जहां उसने सीख लिया होगा कि कैसे पोर्टल ओपन किए जाए। आसपास के छोटे मोटे जानवरों को टारगेट करते करते उसने इनफ पावर इकट्ठा की और फिर से ह्यूमंस को टारगेट करना शुरू किया। अपने टारगेट में वो ऐसे लोगों को चूज करता है जिनके पास्ट में काफी बुरी घटनाएं घटी हो या जो लोग मेंटली डिप्रेस हो, क्योंकि ऐसे लोग सोशली काफी वल्नरेबल होते हैं। म्यूजिक दिमाग को इस टाइप के सेंस से दूर रखता है जिससे वेकना का अटैक या फिर जैसे डस्टिन बोलता है वेकना का कर्स उस पर इफेक्ट नहीं करता। वेकना के टोटल किल काउंट की बात करें तो अपने सिस्टर एलिस और मॉम विक्टोरिया, टेस्ट सब्जेक्ट 2-18 और डॉक्टर एलिस, क्रिसी कनिंघम, फ्रेंड बेंसन और पैट्रिक जो बास्केटबॉल टीम में था। वैसे सर्वाइवर्स की लिस्ट भी लंबी है, लाइक उसके फादर विक्टर क्रील, 11 और मैक्स, जबकि रिसेंटली उसने स्ट्राइक किया नैंसी पे। जो जिंदा रहेगी या नहीं हम देखेंगे सीजन 4 पार्ट 2 में। स्ट्रेंजर थिंग्स के दूसरे विलन्स की तरह ही वेकना का नाम भी डंजन्स ऑफ द ड्रैगन गेम सीरीज से लिया गया है। गेम में ये बहुत ही पावरफुल अनडेड कैरेक्टर था और यहाँ ऐसे सेम स्पाइडर वाला लुक दिया गया है जो ऑसम प्लस कैरी था।
उसके किल्स की हड्डियां टूटना और आंखें बाहर आना बहुत डार्क था, जिससे हम कह सकते हैं कि नेटफ्लिक्स का ये शो परफेक्ट एंगल में जा रहा है। डफर ब्रदर्स ने वेकना के लिए स्पेशली बैरी ग्रूवर को हायर किया था, जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स और चेर्नोबिल जैसी सीरीज में काम किया है। मतलब हाँ, ये सारी चीजें VFX नहीं थी, रियलिस्टिक मेकअप का यूज हुआ है और ये एकदम वर्थ इट था। साइड में एक ट्रिविया ऐड करूं तो ये अंकल लोगों को काफी डरावने लगे, उनकी आंखें और उनका मेकअप टच काफी बढ़िया था और बोलने की स्टाइल भी। डफर ब्रदर्स ने इसे एज ए ट्रिब्यूट इस सीरीज में रखा है और ये अंकल कोई एरेगर इंसान नहीं है, ये रॉबर्ट इंग्लैंड है जिन्होंने रोल किया था फ्रेडी क्रूगर का और इसे कोई नहीं भूल सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपका फेवरेट विलन कौन सा था, डेमोगॉर्गन या फिर माइंड फ्लेयर। वैसे स्पाइडर मॉन्स्टर भी कुछ कम नहीं था, या फिर आपको पसंद है वेकना, कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।